आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर बहुत ही क्विक एंड इजी वे में। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए पालक। मैं ले रही हूँ 2 बंडल यानी 2 गुत्थी पालक। इसको धोने के बाद चॉप्ड कर लेंगे और उसके बाद दोबारा से पानी में भिगो देंगे आधा घंटा के लिए। इससे इसमें जितनी भी मिट्टी होगी वो निकल जाएगी। तो इस तरीके से चॉप्ड कर लेंगे और इसको पानी में भिगो देंगे आधा घंटा के लिए। आधे घंटे के भिगोने के बाद इसको फिर से वॉश कर लेंगे और अब एक पतीला लेंगे और उसके अंदर इसको ट्रांसफ़र करके आधा ग्लास पानी डाल के बॉईल करने के लिए रख देंगे। इसको पकाने के लिए जो मसाले यूज़ होंगे वो मैं ले रही हूँ 1/2 टमाटर, 1 हरी मिर्च और 1 छोटा प्याज, साथ ही साथ 4 लहसुन और 1 इंच अदरक। तो प्याज और अदरक लहसुन और मिर्ची को एक साथ चॉप कर लेंगे और टमाटर को अलग। और अब खड़े मसाले में मैंने लिए है 1 दालचीनी लगभग 2 इंच की, 1 छोटा टुकड़ा जावित्री का, 2 हरी इलायची और लगभग 20 काजू। साथ ही साथ स्पाइसेस में हम ले रहे हैं सबसे पहले कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, उसके बाद कोरिएंडर पाउडर 1/2 चम्मच, उसके बाद भुना हुआ जीरा का पाउडर 1/4 चम्मच और हम साथ ही साथ इसमें लेंगे कसूरी मेथी 1/2 चम्मच और इसमें जाएगा नमक यानी सॉल्ट एज पर योर टेस्ट यानी स्वाद अनुसार। तो पनीर मैं ले रही हूँ 200 ग्राम और ये सारी चीज़ें भी काटनी है और मसाले भी तैयार हैं। तो अब लेंगे एक कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे ऑयल। मैं यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल लगभग 2 टेबलस्पून और इसको गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद इसके अंदर सबसे पहले हम जितने भी हमारे खड़े मसाले हैं वो डालेंगे। तो खड़े मसाले में मैंने लिया है कसूरी मेथी, साथ ही साथ जावित्री और साथ ही साथ हरी इलायची 2 और साथ ही साथ 1 टुकड़ा दालचीनी का यानी सिनेमन स्टिक। तो इनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और साथ ही साथ मैं हल्दी का पेस्ट यूज़ करती हूँ। तो आप स्पाइसेस में ही हल्दी यूज़ कर लीजिएगा 1/2 चम्मच, मैं 1/2 चम्मच पेस्ट यूज़ कर रही हूँ और ये इसी में ही पक जाएगा अच्छे से। और इसको अच्छे से पकाने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च जो हमने रफली चॉप्ड करी हुई। उसके बाद इसको अच्छे से भून लेंगे, प्याज हल्के गुलाबी हो जाए बस। पूरी तरीके से भी मसाला नहीं पकाना लेकिन इतना पक जाए कि उसका कच्चापन चला जाए, क्योंकि हमें सबको पीसना ही है। अब ये थोड़े थोड़े जब प्याज पक जाएंगे और अदरक लहसुन भी, तो हम इसके अंदर जितने भी हमारे सूखे मसाले हमने लिए हैं सारे के सारे स्पाइसेस हम इसके अंदर डाल देंगे। और गैस तेज़ ही है बट इसको आप ध्यान रखिए कि साथ साथ हिलाते रहें ताकि प्याज नीचे ना लग जाए। तो जब प्याज अदरक लहसुन अच्छे से भुन जाए अब इसके अंदर हम डाल देंगे सारे सूखे मसाले और साथ ही साथ काजू और नमक भी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला नीचे ना लग जाए, नहीं तो जलने की स्मेल आएगी। और मिक्स करने के बाद फटाफट से इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर में ऑलरेडी अपना नेचुरल वाटर होता ही है तो वो हेल्प भी करेगा कि मसाला नीचे ना लगे, लेकिन फिर भी हम इसमें थोड़ा सा 1/2 कटोरी पानी डाल देंगे ताकि मसाला जल ना जाए। और फिर काजू भी अच्छे से पक जाएंगे तो आसानी से हम मिक्सी में इनको पीस सकते हैं। तो अब इसे अच्छे से पकाना है जब तक टमाटर अच्छे से गल ना जाए और मैशी ना हो जाए। और स्लो फ्लेम कर दी है मैंने, उसी पे मैं इसको पका रही हूँ। और देखिए साथ ही साथ जो मैंने पालक उबालने रखी थी वो भी उबल चुकी है, लगभग जितनी पालक थी उससे आधी हो चुकी है। और इसको भी 10 मिनट हो चुके हैं
तो हल्का सा मिक्स करने के बाद एक बॉईल का और वेट करूंगी मैं और फिर गैस को ऑफ कर दूंगी। पालक आप जितनी कम उबालेंगे पालक का हरा रंग उतना अच्छा आएगा सब्जी में, नहीं तो पालक काली काली बनती है। तो देखिए अब ये बॉईल हो चुकी है और अब मैं गैस को कर रही हूँ ऑफ। और मीनवाइल मसाला भी देखिए पक चुका है, टमाटर भी मैश हो चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे यानी ब्लैक पेपर पाउडर, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब इसे मिक्स कर देंगे और अब गैस को कर देंगे ऑफ। हमारा मसाला पककर हो गया है तैयार और पालक भी उबल चुकी थी, तो अब पालक को मसाले के अंदर डाल देते हैं और हल्का सा इसको ठंडा होने देंगे और उसके बाद ही हम इसको पीसेंगे। और दोनों चीज़ों को एक साथ ही हम पीसेंगे मिक्सी में। तो मिक्सी के अंदर पालक और मसाला दोनों डाल के थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें शुगर यानी चीनी और उसके बाद इसको अच्छे से हम पीस लेंगे और फाइन पीसेंगे बिल्कुल, क्योंकि मसाला अच्छे से पक चुका है तो बहुत ही आसानी से सारा कुछ पिस जाएगा। काजू भी पिस जाएंगे और उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, जो दालचीनी डाली है और जावित्री उससे और भी अच्छा आता है फ्लेवर। तो देखिए पालक का पेस्ट हमारा बन चुका है और अब सेम कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ मैं, उसके अंदर मैंने डाला है देसी घी 1 चम्मच और साथ ही साथ 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल और इसको गर्म होने देंगे। इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने पनीर काटा हुआ है। पनीर मैंने आपको बताया ही लगभग 200 ग्राम ही लिया है मैंने, तो 200 ग्राम पनीर इसके अंदर हम डाल के हल्का सा इसको शैलो फ्राई करेंगे और ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे सॉल्ट यानी नमक। और हल्का सा जब ये थोड़ा सा शैलो फ्राई हो जाए पनीर, तब इसके अंदर हम पालक डाल देंगे जो हमने पीस ली है सारे मसालों के साथ। तो ये देखिए इसको हम पनीर के अंदर डाल देते हैं और ये देखिए कितनी अच्छी बिल्कुल क्रीमी पालक आपकी बनकर तैयार हुई है। और देखिए क्या फ्लेवर आ रहा है, ऊपर देसी घी भी है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। और बहुत ही आसान तरीके से पालक पनीर बनके तैयार हो जाता है। इसका थोड़ा पानी सुखाएंगे हम, 1-2 बॉयल इसमें आ जाए। देखिए हमारी पालक पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, तो अब हम इसे सर्व कर देते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और इन्जॉय करिएगा पालक पनीर की सब्जी। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और इस रेसिपी को जब आप ट्राई करेंगे तो सच में आपको बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।